कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत पर हमला, पायलट ने लगा दिए गंभीर आरोप। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ, जबान खोलने में क्या दिक्कत है किसी को, लेकिन हम संयमित रहे। तमाम गालियां खाने के बाद भी हमने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की बात को उठाते रहें, सच्चाई के लिए लड़ते रहें, युवाओं की बातों को रखें। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पब्लिक को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई, और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे, और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ, उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की, और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है।